तो भी फिर से यहाँ पे एक बार पीक पे उतर गए हैं। यहाँ पे देखते पहले पेटिंग में कौन सी गन पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे गन तो अपने को मिल गई है, तो मैं ज़्यादा लूट करूँगा नहीं। सबसे पहले चल के बंदों को लूटेंगे नहीं, मतलब पे लेंगे। यहाँ पे मैंने देखा था कि यहाँ पे एक बंदा तो उतर रहा था, शायद यहीं कहीं पीछे, शायद हाँ वो रहा, दिख गया मुझे। इसे हवा में निपटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बॉडी लग रहे हैं शायद इसे, और अपनी एम आउट हो गई और शायद वो नीचे लैंड हो गया है। मैं इस गन को आउट कर देता हूँ, यही कहीं गया था। अच्छा खासा डैमेज दे दिया मैंने, तो चल के इसे नॉक भी कर देते हैं। ओके, तो ये रहा, कोई नहीं, जाने देते हैं। ओके, तो शायद गन मिल गई उसे। वेल, गन लेके भी कुछ नहीं कर पाया, तो जो पैरों की आवाज़ आ रही, जैसे एक और आ गया है और इन भाई को भी चलता किया यहाँ से। ये तो एक दो गोली में ही आउट हो जा रहे हैं। खैर, यहाँ पे तो कुछ हो रहा है नहीं, तो मैं चलता हूँ आगे और देखता हूँ। पहले थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हेलमेट दिख रहा है मुझे। एक सेकंड, पीछे शायद ड्रॉप गिरा है, और ड्रॉप गिरा है तो पक्का वहाँ पे बंदे भी आएंगे, तो वहीं चल के पहले देखते हैं और थोड़े किल लेते हैं, क्योंकि अपने पास किल भी बहुत कम है। ठीक है, तो एक मुझे पहला मिल गया है और इन भाई को भी आउट कर दिया गया है। वेल, मैं इन्हें आउट नहीं करूँगा, सिर्फ नॉक करूँगा ताकि इनका टीम मेट आके। ओके, तो ये आउट हो गया। wow! कोई बात नहीं, इससे अब जो आएगा मैं उसे नॉक करने की कोशिश करूँगा, आउट नहीं, ताकि उसका टीम मेट आके उसे रिवाइव करे। उसका टीम मेट आके उसे रिवाइव करे तो मैं उससे भी पकड़ लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कुछ खास था नहीं, मैं इससे आउट कर देता हूँ। पिस्टल की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे भी आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो साइड से मुझे एक बंदा दिख रहा था, नीचे एक बंदा दिख रहा है मुझे, ये रहा वो। ठीक है, तो मैं इसे ही रहने देता हूँ और इसके आसपास ही राउंड मारेंगे, ताकि जब उसका टीममेट आए तो उसे भी पकड़ लें यहीं पर ही। ओके, तो नीचे एक और ड्रॉप गिरा, आई थिंक यहीं पे काफ़ी ड्रॉप गिर रहे हैं, तो शायद आ गया वो, और इसे भी एक दो में आउट कर दिया है। वैसे मेरे पास सिर्फ लेवल एक का हेलमेट है, तो मुझे कवर ले लेके चलना पड़ेगा। खैर, मैं इसमें से थोड़ी एमो ले लेता हूँ। ओके, तो मुझे एक और बंदा दिख रहा है। और इसे भी आउट कर दिया है, मैं इस गन को आउट कर देता हूँ। ओके, तो मुझे सामने और बंदे दिख रहे हैं मैप में, तो चल के देखते हैं। यही कहीं से दिख रहे थे मुझे मैप में। ओके, तो एक वो रहा, ये तो एक में ही आउट हो गया। मुझे लग रहा है कि मैंने कोई नूब मैप सेलेक्ट कर लिया, शायद कोई फ्री फायर में नया अपडेट आया है, नूब मैप, जिसमें सब नूब ही आ रहे हैं। खैर, सामने मुझे एक और बंदा दिखा है और इन्हें भी पकड़ लिया गया है। नीचे चल के देखता हूँ, शायद कोई और आया हो। ओके, तो एक हो रहा और इन भाई को भी नॉक कर दिया है। मैप में तो और भी बंदे दिख रहे हैं, एक मेरे पीछे दिख रहा है, लेकिन शायद मैंने तो उसे नॉक कर दिया था। शायद नहीं, पीछे है एक बंदा। ओके, तो वो रहा, भागने की कोशिश और पकड़ लिया इन्हें भी। नीचे कोई और बंदे दिख रहे हैं? नहीं, एक और दिख गया मुझे।
और ये भी आउट। वेल मैं यहीं आसपास थोड़ा घूमते रहूँगा ताकि मुझे बंदे दिखते रहें, क्योंकि यहाँ पर मुझे कई बंदे दिख रहे हैं। यहाँ से एक और बंदा मुझे दिखा है पेड़ों के बीच से, और उन्हें पकड़ लिया है। ये शायद कोई लकी स्पॉट मिले क्योंकि यहाँ पे कई बंदे दिख रहे हैं मुझे, यहीं पर बंदे मुझे काफ़ी मिल रहे हैं, तो मैं यहीं पे थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा। तो भाई ऐसा लग रहा है ऐसे मैंने फ्री फायर हैक कर लिया और बिना किल करे मुझे किल मिल रहे हैं। खैर नीचे एक और ड्रॉप गिरा तो शायद उसके पास भी कोई है, चल के देखता हूँ। नहीं वहाँ पे तो बस कोई दिख नहीं रहा मुझे, सामने एक दिख गया मुझे। ओके तो इन भाई को भी चलता गया यहाँ से। वहाँ से एक गन शॉट की आवाज़ें आ रही, चल के देखते हैं वहीं पे। और एक नीचे मुझे दिख गया है, पहले कवर ले लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसे भी आउट कर दिया है। वैसे मेरे पास लेवल 1 का हेलमेट है तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, सामने वाला अभी भी नॉक ही पड़ा हुआ है। वेल जितने बंदे दौड़ रहे हैं आप जाके सब्सक्राइब मारो। खैर एक और बंदा मुझे सामने दिख गया है और उसे भी नॉक कर दिया है। एक और बंदा मुझे नीचे दिख रहा है, क्या वो बंदा है? नहीं मुझे ऐसा लगा शायद वहाँ पे कोई है। ठीक है तो एक और यहाँ से आ रहा है और इन्हें भी नॉक कर दिया है। वेल मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर पढ़ रही है तो भाई कवर चले लो, सीधा भागते हो आ रहे हैं। खैर यहाँ पे थोड़ी लूट कर लेते हैं मुकी और इस गन को आउट कर देता हूँ मैं। रिलोडेड एंड मुझे लग ही रहा था वहाँ पे कोई है, वहीं से भागते हो आ रहे हैं। वेल मुझे थोड़ा दूर से बिल्कुल हल्का सा दिख गया था लेकिन मुझे लगा कि मुझे ऐसे दिख रहे हैं। खैर सामने और फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, एक बंदा मुझे दिख गया है जो कि भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जिसे नाकाम ही कर दिया वैसे लगभग। ओके तो पीछे से कोई और फायरिंग कर रहे हैं और इन भाई को भी 2-3 में ही ख़त्म किया है। और इन्हें भी क्या बात है, यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं वैसे। खैर नीचे चल के देखते हैं, यहीं पे आप मुझे काफ़ी बंदे दिखे हैं ऐसे। एक सामने भाग रहे हैं, डैमेज तो मैंने दे दिया उसे। और इसे भी आउट कर दिया है, शायद इसका टीममेट नहीं था वो, इसलिए वो डायरेक्ट भाग ही रहा था सीधा। ओके तो वहाँ से मुझे फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। एक सामने बंदा है, इसे नॉक कर दिया है। पर एक नीचे से भी शायद आवाज़ें आती। ओके तो पूरा एक एक में ये भी गया और इसे भी पकड़ लिया हमने। एक नीचे मुझे दिख रहा है और उसे भी आउट कर दिया है। एक बंदा मुझे भागते हुए दिख रहा है और आउट ऑफ एमओ, गोलियां ख़त्म हो गई यहाँ पर अपनी। ये भी बंदा आउट किया था मैंने, तो शायद इसके पास मुझे कुछ मिल जाए। और यहाँ पर भी मुझे फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, एक सामने मुझे दिख रहा है और इन्हें ही पकड़ लिया। ये तो एक दो में भाई आउट जा रहे हैं। ओके तो मेरी एमओ फिर से ख़त्म हो गई है, फटाफट से एमओ तोड़नी पड़ेगी क्योंकि एक बंदा अपने पीछे ही है।
और इन्हें भी आउट कर दिया है। वैसे इतनी पास से स्कोप से मैंने काफ़ी कमी बार शूट किया लोगों को। सामने बंदा भाग रहा है मेरे, अरे कितना डैमेज दिया भाई, फ्री बच गया। ऐसा लग रहा था पैन पे लग रही है उसके, वैसे आवाज़ें तो ऐसी आ रही थी। खैर एक बच के लेकिन दो को पकड़ लिया गया है। खैर लेकिन उसे भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं सही, शायद यहीं पर ही है। ओके तो ये रहा, अरे फिर बच गया। ओके तो शायद ये घर का पूरा चक्कर मार के आएगा, तो अपन भी रेडी हैं। दो में से उन दो में से एक को तो पकड़ लिया है, और अपने पास 15 गोलियां बची हुई हैं। और जी हाँ बिल्कुल पेल दिया गया अच्छे से इन्हें भी। सामने से एक बंदा फायरिंग कर रहा है, तो उन्हें पकड़ते फटाफट। अच्छा तो उन दो में से शायद ये दूसरा था। सामने गया ये भी, और इसी के साथ अपना भूया हो गया।